और आप पीछे देख सकते हैं ये नजारा भी। अरे सखी दादा, अरे सखी दादा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? मेरी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परमार दीपक और आपका होस्ट। और आज हम इस नए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इसके आगे की सीरीज़ जो कि मैंने गिरनार पे शूट की थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दातार माउंटेन, जो कि गिरनार के एकदम सामने ही है। तो अभी हम है विलिंगडन डैम में, जो कि आप देख रहे हैं, और ये दातार की तलहटी पर स्थित है। अगर विलिंगडन डैम की बात करें तो उस समय के भारत के गवर्नर मार्श विलिंगडन के नाम से ये डैम बनाया गया था। और आप पीछे देख सकते हैं ये नज़ारा विलिंगडन डैम का। और यहाँ से एक कालवा नदी निकलती है जो कि सिटी से होके गुजरती है। और ये है पूरा विलिंगडन डैम, और ये पीछे के माउंटेन्स और पूरा तालाब, और ये है यहाँ का पूरा नज़ारा, पूरा यहाँ का व्यू और ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी और क्लाइम करते हैं पूरा दातार माउंटेन, और आपको मैं अच्छे अच्छे व्यू बताता हूँ। और ये है बंदर। आप जूनागढ़ में कहीं भी चले जाओ लेकिन बंदर आपको हर जगह मिलेंगे। और यहाँ पे ये स्टेप्स के साथ साथ एक पक्की सड़क भी बनाई गई है, जो कि यहाँ से ट्रैक्टर ऊपर माउंटेन तक जाता है, दातार तक। और जो वहाँ का जो किचन है, उसके पूरे गुड्स वगैरह सब कुछ सामान उसी ट्रैक्टर में यहाँ से होके, ये रास्ते से होके ऊपर तक। तो अभी भाई चलते चलते मैं जब जा रहा था रास्ते में, तब यहाँ सब मेरे सारे फ्रेंड, गांव के सारे लोग यहाँ पे सब मिले हैं। और तो कैसे हैं आप सब? जय सखी दादा, जय सखी दादा। और जो लोग रास्ते में सामने मिलते हैं उसे याद आतार सखी दातार बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाते हैं चिथरिया पीर की दरगाह पे, जहाँ पर हम दर्शन करके वहाँ का सौंदर्य निहारते हैं। तो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, बहुत ही बड़े बड़े घने पेड़ और ये बंदर। और टूरिस्ट श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और फिर थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, बाद में फिर आगे चलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ आगे एक हिस्टोरिकल स्टेप वेल है वो देखने के लिए। यहाँ जाने के लिए कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है, आपको इसी तरह यहाँ से जाना होगा, कच्ची सड़क में से, जंगल में से। और ये है स्टेप वेल। मैं दंग तो ये बात से रह गया कि इतनी हाइट पे, ये पर्वत पे, यहीं पे ये स्टेप वेल बनी हुई है और यहाँ पानी होगा इतनी ऊंचाई में, तभी ये स्टेप वेल कई सालों पहले यहाँ पे बनी होगी। तो देखते हैं आगे। और भाई इतनी हाइट पे भी ये वेल बनी है,
लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसमें पानी है। बहुत आश्चर्य की, बहुत अमेजिंग ये बात है कि अभी भी पानी पे यहाँ पे काफ़ी और काफ़ी गहरी है। और ये है यहाँ का पूरा व्यू, आप देख सकते हैं। और ये जो ये बांधकाम हुआ है, एक जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से और यहाँ पे नज़दीक एक पानी का छोटा सा कुंड बना है, जो कि यहाँ के जो वाइल्ड एनिमल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसी के लिए ये कुंड बनाया है। चितरिया पीर से थोड़ी देर आगे चलते ही कोयला वजीर प्लेस आता है, जहाँ पे कोयलावीर दादा की समाधि है और कुछ मज़ार है। और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा, जहाँ यात्रिक रेस्ट कर सकते हैं। और ये बड़ी सी पुरानी इमारत है, जो कि नवाब के समय में सभी इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो अभी हमने कंप्लीट किए हैं 2350 स्टेप और इस प्लेस पे अभी पहुँचे हैं। और इस प्लेस का नाम है हाथी पत्थर, जो कि आप पीछे देख रहे होंगे, एक बड़ा सा पत्थर है जो कि हाथी पत्थर के नाम से जाना जाता है। जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हो, यही है वो हाथी पत्थर। और आपको हर जगह ऐसे पानी के प्याव मिल जाएंगे। जय सखी दातार बापू। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं दातार, और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ एक गौशाला है। और ये सभी गिर गए हैं, जो कि वहाँ ऊपर मंदिर में सभी भक्तगणों को चाय के रूप में प्रसादी दी जाती है इस गिर गाय के दूध से। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी है। और हमने पीछे जो स्टेप वेल देखी थी, यहाँ पे भी वो स्टेप वेल है यहाँ पे। और चितरिया पीर, हाथी पत्थर, सभी जगह ऐसी स्टेप वेल बनी हुई है। ये सभी स्टेप वेल पानी से भरी हुई है। और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो माउंटेन है नवनाथ का धुना, जो नवनाथ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और पीछे है दातार। और यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो ये लोकेशन है, नेक्स्ट लेवल है काफ़ी। और आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे देसी आम के पेड़ है, जिसमें देसी आम लगती है। जिसको नमन करे नर नार, वही अनेरा सखी दातार। बात कर रहे हम सखी दातार की। जूनागढ़ जंक्शन से 8 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात के जूनागढ़ शहर में दातार हिल पवित्र स्थल है, जो कि गिरनार हिल के सामने ही स्थित है। यह गुजरात में
तीर्थ यात्रा के लोकप्रिय स्थानों में से एक है और जूनागढ़ में सबसे अधिक देखी जाने वाली साइटों में से एक है। और इस ट्रॉली के जरिए सारा सामान किचन तक पहुंचाया जाता है। पूरे भारत में बहुत कम ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर आए हुए सब भक्तों को चाय पानी नाश्ता और दोनों टाइम का भोजन प्रसादी दी जाती है और इस भोजन का जो स्वाद है वो बहुत ही अनेरा। तो अभी टाइम है प्रसादी का, तो हम प्रसादी ले रहे हैं सब। जय शक्ति दाता। दातार बापू के भक्तों और सेवकों पूज्य बापू की समाधि के दर्शन के लिए आते हैं और ये है पटेल बापू और विठ्ठल बापू की समाधि। जमियल सा दातार के नाम से प्रसिद्ध संत यहाँ पर विराजमान हुए थे। संत जमियल सा ईरान के दूस शहर के रहने वाले थे और जमियल सा पीर अपने गुरु के आदेश की वजह से राजा राम मांडलिक के समय में ईस्वी सन 1470 के आसपास जूनागढ़ आए थे और वो उदार और ओलिया पुरुष थे। वो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक ही समान मानते थे और आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग इस जगह दर्शन के लिए आते हैं। जूनागढ़ के नवाब भी इस पवित्र दातार के लिए बहुत आस्था रखते थे। उपला दातार ब्रह्मलीन परम पूज्य पटेल बापू ने पूरे 50 साल इस जगह पर निस्वार्थ भाव से सेवा की थी और इस जगह के महंत पद पर भी रहे थे। समग्र जीवन काल में कभी पटेल बापू ने इस जगह से नीचे नहीं गए थे और इस बड़ी सी चट्टान को सफेद रंग से पेंट किया गया है जो कि शांति श्रद्धा और भाईचारा का प्रतीक है, जो जूनागढ़ सिटी से भी इस दातार के दर्शन हो सकते हैं। और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं पटेल बापू के और यहाँ पे ये है एक अखंड धुना और संध्या टाइम पूजा आरती टाइम इस नगाड़े का इस्तेमाल होता है और ये छवि है परम पूज्य पटेल बापू की और ये प्रतिमा है विठ्ठल बापू की। और ये है अखंड धुना जो हमेशा प्रज्वलित रहता है और ये है पटेल बापू की प्रतिमा। अब देखते हैं कुछ दातार के नज़ारे। ये है दातार का एक बिल्डिंग जहाँ पे हर भक्त दर्शन के लिए आते हैं और सबका पूरा ख्याल रखा जाता है। और आगे चलते ही यहाँ पर है बापू की मज़ारे और कुछ यहाँ का बहुत ही सुंदर और बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ जंगल और ये पहाड़ियाँ
और एक यहाँ गौशाला भी है जिसके अमृत जैसे दूध से यहाँ भक्तों को चाय के रूप में प्रसादी दी जाती है। और यहाँ पर बिताया हुआ मैंने हर एक पल, हर एक देखा हुआ नज़ारा हमेशा अपने दिलो दिमाग में बसाना चाहता हूँ। ये सुंदर वादियाँ और ये पर्वत और ये है रात का नज़ारा, जहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से पूरी दातार की बिल्डिंग, पूरा दातार पवित्र स्थल सजाया हुआ है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हुए, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस व्लॉग को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा ट्रैवलिंग करते रहिए और अपने एक्सपीरियंस सबको शेयर करते रहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।